डबुआ पत्थर पर से है, उसके बाद में बहुत सारा भोजन परसा है, लेकिन सबको शनिचर नहीं अफर नहीं। शुक्र शनिचर को परसते हैं वैसे ही खा लेते हैं, परसते ही वैसे ही खा लेते हैं, सारा जो भंडार था भोजन का सारा भंडार खाली कर दिया। अब राजा हिमाचल आए, उन्होंने कहा कि बारे प्रभु अब हम बरातियों को क्या खिलाएंगे। भक्तों इधर हिमाचल भोले बाबा के पास पहुंचे हैं और भोले बाबा से कहा है कि भोले बाबा इस अपनी माया को शांत कर लो। भोले बाबा ने दो तुलसी के पत्ते दिए हैं और कहा है कि ये दोनों को जाकर के खिला देना। और जाकर के हिमाचल ने उन दोनों पत्तों के टुकड़े किए हैं और शुक्र शनिचर को खिला दिया है। शुक्र शनिचर ने जैसे ही दोनों पत्तों को खाया है, एक दिन कहने लगे ओ, जैसे ही ओम का है हिमाचल कहने लगे अफर गए, कहने लगे हाँ बस अब नहीं कुछ चाहिए। इधर सब बराती खान पान कर रहे हैं तो सभी सखियां जौनार गा रही हैं। मुपे बनी पाई जो नारी और बराती मेरे हरे हरे गा रही हैं जोनार, बराती भोजन कर रहे हैं, गाती है मैया, यहाँ पे गाती होंगी। मोपे बनी पाई जोनार बराती मेरे हरे हरे बराती मेरे हितकारी, मोपे बनी पाई जोनार। हर प्रेम कचौड़ी प्रेम कचौड़ी चोड़ी कर्म कचोड़ी जन्म जीरो और सूरज को यार साधु बनायो आपन स्वाद अपारी, बराती मेरे हरे हरे बराती मेरे हितकारी, मेरे मन पाई है जोनार बराती मेरे हरे हरे बराती मेरे हितकारी। आज इस तरीके से सखियां जोनार गा रही हैं, सभी बरातियों को भोजन कराया है। उसके बाद में भोजन कराने के बाद भोले बाबा के साथ उमा की भमरियां डलवाई हैं। भमरियां डलवाने के बाद में विवाह संपन्न कराया है। विवाह संपन्न कराने के बाद भोलेनाथ को विदा किया है और भोलेनाथ उमा को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत के लिए चले जाते। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान का एक कीर्तन, उसके बाद में आगे की कथा।